बेड़ा रे ए ही झुमा झुमा गोलापी बेड़ा रे साथिया मो स्मृति ने आहुरी निजर होई अजी जीव अपना भितरे हो ए ही झुमा झुमा गोलापी बेड़ा रे ए ही झुमा झुमा गोलापी बेड़ा रे। आपण सुंदर स्वर और गिटार ध्वनि सहित समस्त मॉर्निंग टा एक्चुअली म्यूजिकल हो जाए। थैंक यू फॉर दैट। नमस्कार, उठो जागो ओडिसा रो आज एपिसोड को स्वागत। आउ जो सकल सकल एत सुंदर गीत शुणा मिले आपड़ भाव पारे कि एपिसोडा भी किसी हटके कि स्पेशल निश्चय ही वेल बहुत स्पेशल कारण गोटे अपकमिंग मूवी प्रमोशन आज आम करोड जरिया जो मूवी निश्चित भाव चिराचरित ओडिया फिल्म थारु एकदम हटके ना ठू नहीं कि स्टारकास्ट पर्यंत प्लट ठू नहीं कि टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज पर्यंत ए फिल्म रे से सब किछि अछि जहाँ दर्शक मानंकु थिएटर पर्यंत नहीं कि जीव आ फिल्म टी सुपर हिट हबो से विश्वास आमर अछि। सेतपई आमे भाबिलु जोडी उठो जागो ओडिसा रे आमे सब स्पेशल जिंस ऊपर फोकस करूछु ताको प्रोजेक्ट करूछु ताले गोटे नुआ फिल्म को काहे कि नुह एस के मुरलीधरन निर्देशित एवं भारत गौरव दास प्रोजेक्ट नुआ फिल्म किए दबो चक्कर। फिल्म रे मुझे बहुत मसाला अच्छी मसला अच्छी नुआ कौन ये फिल्म दर्शकों पर कौन सब खास नहीं कि आसब आउ फिल्म रे किए किए बड़ हेवी वेट आक्टर्स अच्छा जानवापी प्रथम प्रयोजक महोदय एवं आम समस्त प्रिय वेटरन एंड वेरी वर्सटाइल एक्टर सरोज सर को अनुरोध करी से आम सहित सामिल हे भारत बाबू आउ सरोज सर। उठो जागो ओडिसा रे आपण मानको पाइगे कि बहुत खुशी आमे कारण सकल सकल मोर जो फेवरेट एक्टर आउ जो नुआ प्रोड्यूसर जे बहुत सक्सेसफुल एक्टर रही भेटा गोटे खास कथा भारत मत कहतु कि ओलीवुड भली गोटे जगार समस्ते कहते प्रोड्यूसर हवा बहुत बड़ रिस्क कथा एक्टर माने सेफ कारण फिल्म है चेक पाइले खुशी फिल्म हिट हम फ्लॉप हम से चिंता करार ना आपड़ एक्टर थी हटात एक्टर कम प्रोड्यूसर हवा कहीं मन बल सही जो एक्टर थिली थिली ना छंती हां जो अच्छी सही जो कोड़ाडा अच्छी देह भीतर सेटा को इच्छा थिला 2002-3 रु जतल तो हम गीत को बहुत करथिलु तापर जतल ग्रेजुअली 4 वर्ष 5 वर्ष हला गीत फ्लो चलला ठीक अछि सब तो फिल्म हम देखु ओडिया फिल्म देखु देखु लागो जे हां ठीक अछि बढ़िया कि हमें भी कले हंता फिल्म किंतु नाही पुनी भाबलु नाही ना फिल्म ता बाटे अछि हमें हम बाटे ठीक अछि किंतु से जो आग्रहटा थिला कला प्रति जो आग्रहटा से इंस्पायर कला आउ भगवान को आशीर्वाद रु 2014 रे मुझे सक्सेस निश्चित भाव कारण जी कथा पर्यंत शुणा को मिलूँ फिल्म विषय में समस्त बहुत उत्साहित तो फिल्म को लेकिन कि बहुत भल पैकेज अच्छी। अच्छा व्यूवर्स मैंने जो मैंने पर्यटन पोस्टर्स देखी ना जन दिखाँ फिल्म में किए किए सब एक्टर्स अच्छा जहाँ को देखापी व्यूवर्स मैंने थिएटर जी जमती कि सिद्धांत भाई ये गोटे प्योरली नेगेटिव कैरेक्टर अच्छे किंतु कैरेक्टर टा नेगेटिव आउ सरोज आज्ञा तो अच्छा आउ अपराजिता मैडम अच्छा मिहिर दास अच्छा आउ प्रद्युम्न लिंगा अच्छा आउ आमर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा अभिजीत मजुमदार आउ लिरिसिस्ट निजाम भाई आमर डॉक्टर निर्मल नायक आउ ताठू बड़ी है आमर बड़ जिनस आमर आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर जे कि एसके मुरलीधरन एसके मुरलीधरन तो एबे ऑडियंस जानी ही जबेनी कि फिल्म को हिट करिवार सब मसाला ऑलरेडी भारत रखी सारछंती फिल्म रे ठीक मु सरोज सर कडो कासिबी सरोज सर इति फिल्म्स आपण कलेनी फिल्म ता कोन कले हिट हबो से फार्मूला आपण भलो हाबरे जानिछंती ए फिल्म रे सेमती कोन फार्मूला अछि तो एबे जिनस मु तादर पुरै दै छी एबे सब कहंती आर्टिस्टिक जगलरी शाहरुख खान गोटे कहते हैं हटके जाए कौन हम
आउ सब बड़ कथा हूँ भारत को गोटे एत सुंदर भाव में प्लानिंग कले जिनटा को यहाँ एक्सपीरियंस क्या अभिज्ञता ना एमती हेनी मुरलीधरन अभिजीत मजुमदार मीर दास अपराजिता इत्यादि इत्यादि करके दिज नुआ हीरो हीरोइन को छाड़देले सो गीत सैड बढ़िया हो गला डायरेक्शन सैड बढ़िया हो गला एपट सपोर्टा सब ठीक ठाक रहा निजे भी तो गोटे रोल बाहरी पड़े खबर कि भारत फिल्म गोटे पुलिस इन्स्पेक्टर रोल अच्छी नेगेटिव तू किए बे मु ए घटनार आई विटनेस अच्छा घरे तोर सुंदरी स्त्री टी अछि अरे अरे रिवर बॉल कोन देखु छु टाटू हेवी बम अछि ना सर सर अनेक गुडे जिंस को नेके फिल्म हिट हुए ए फिल्म रे प्रायत से सब जिंस अछि जहां हिट करबा कथा किंतु आजकल टीनेज लव स्टोरी एरे गुडे टीनेज लव स्टोरी ताकु नेके अनेक गुडे एक्सपेरिमेंटेशंस हे सारि छि बड़ बड़ डायरेक्टर्स करछन्ति बड़ बड़ एक्टर्स माने करछन्ति एठी किंतु आपण माने दुईटा एकदम नुवा चेहरा को इंट्रोड्यूस करिछन्ति एटा गुटे बड़ रिस्क नुवे कि नहीं रिस्क कह जाय पारे कारण लोक माने तांको ना जानि नाहंति होतो किंतु दी जणकर दी जण जो भाव रे एक्टिंग करिछन्ति ए सिनेमा रे प्लस जो भली भाव रे से प्रेम कहानी टाकु गोढ़ा हेछि माने जोटा कहंति जोटा आस्ते आस्ते बड़ी बड़ी जायछि सेटा एते सुंदर हेछि सो लोक माने जम्मा भाबी बेले जे माने नुवा नुवा बोली सो देखिले जाय कि जानि परिबे अच्छा मुरली सर को तो एंती भी एक्सपर्टीज अछि कि से नुवा कलाकार मान को नेकी सुपर हिट करे दि पारि जे फिल्म बाबू रो गोटे बड़ कथा होछि कोन हि जे कोरियोग्राफर हां गोटे डांस डायरेक्टर रो मेन काम होए मुहर एक्सप्रेशन मुहर एक्टिंग आखिर एक्टिंग सेटा आगो से माने सिखांती तब ओडिसी नाच केबे हां मु पिला बेले सिखो गोटे अभिनय थिला ता तेरे माने अछि आखि ये सब हां सो अभिनय जिनसटा से माने जानंती एंड वेरी मेट्रिकुलसली दे नो एवं से माने को आर्टिस्ट केती बाट पर्यंत करि परिबो सेटा से माने जानि परंती दैट इज ए प्लस पॉइंट विथ बाबू छोटिया सीन ते थिला इट वाज नॉट ए वेरी बिग सीन मो पत्राली मो झियो होई छी बाय द वे सेटा भी कहि दियो ऑडियंस पत्राली मो झियो अरे मां ये कौन सो हीरो प्रथमे टकरा टकरी हे कि से गोटे मु रागी जाई छी हीरो उपरे जे एटा बदमाश टकाटा मो झियो को हैरान करू छी सो ता पर सीन हो छी मु हटा गलाले को देखु छी पार्क पाखरे दि जण बसी आइसक्रीम खाई के हसा हसी हो छथि सो दैट वाज द सीन मु देखि को छी अरे ताको एटे धक्का पक मारिबन त तपर ना ना धक्का मारिबन ई बोधे मो झियो बोधे से टकाटा को फसेई दे छी नले एमते हसी के कोन आइसक्रीम खाउ छी अरे जेतरे मोर कोन अछि तरबुज छुरी पशु कि छुरी ऊपर तरबुज पड़ू लाभटा मोर तो हम असुविधा कर मु तो जाबी ना दैट वाज द डायलॉग सो मु कथा हो कोन कि सेति के टिके सीन पे गोटे शॉट रे सॉरी जते नै दीटा शॉट रे सॉरी बट बाबू हैज टेकन 10 शॉट्स 10टा शॉट ताकु देखिरि कला एवं मु फाइनली जते बेला तार आसेला एडिटिंग हेकि वर्सन मु जानली एक्चुअली 10टा शॉट काहे कि नेले सेटा ओटे बडा कथा आ गोटे कथा दर्शक मानु कहिबी जे से माने जो विमुख हो जाय छथि ओडिया सिनेमा रु विमुख जो टाकथि विमुख कहले विमुख सेटा एक्चुअली सेटा होंतु नै ओडिया तो रखंतु थोड़े नुआ कथा बरत हैछि जोटा अनेक जानि जान दर्शक उठे कहि देबा आज्ञा काहे कि प्रेमटा टकरो आरंभ हैछि सेटा होछि मजा है सिनेमा सेटा होछि मजा तबे आ गोटे मजा जिंस अछि गोटे सुंदर आइटम गीत जा बिषय बेस चर्चा होछि आ से आइटम गीत रे रही कि भारत को बहुत प्रशंसा मिलुछि तमो हीरो हटा देके तो पुलिस वाला हे गेले पुलिस वाला हे कि आइटम गर्ल से नाचु छथि कथा कोन माजरा कोन कोंतु नै किछि नै सेटा से सिक्वेंस सेम थिला No, no, no.
फिल्म किए दबा टक्कर विषय में जानूँगी मोर उत्सुकता से बढ़ुची ए धारा रे आउ किछ कलाकार मानको भेटिबा जो माने ए फिल्म रो गोटे गोटे अंश से मानकर एते एक्टिंग एक्सपोजर थिबा सत्वे आमे जानिबा कि ए फिल्म रे तांको कोन नुवा करिवार सुजोग मिलिछि अनुरोध करबी अशोक रवि एवं आमो कुनी कलाकार रितेश को से हमर सहित शामिल हेबे दर्शक मैंने अशोक को देखी हांडी शाला सब दाता है समस्त को खुए खुए आप्यायित करतर अशोक आप्यायित करेंगे आपण हास्य रसरे ओडिशार सब सिने प्रेमी दर्शक मान तो फिल्म रो एक्सपीरियंस केमती कथा कौन कि प्रथम धन्यवाद देवी जय भारत तापर होची जय टक्कर तापर होची जय तरंग मत भारत को चांस दे कहीं दे टक्कर दे जो टक्कर न होता था तरंग कहीं डाक था ठीक ठीक तो ये तीन जन सबर्ती आज ये तो सब बड़ कथा हूँ मुझक से बड़ कलाकार के भावी खाली गोटे कथा ये जो फिल्म रुजटा मत मिलला सी भी गोटाए गोटे घटना कहले चल कौन से घटना घटना हूँ निर्मल नायक सीए थर गोटे दुकान चाह पीते मुझे देखीदेली मुझे साष्टांगली आज नमस्कार अरे हाँ अशोक आम देखु हाँचाड़ भल कर मुझे शुणी आप गोटे सिनेमा लिखुंत मत खेच दिखे मुझे चान्स पाई कहे अच्छा हाउ तुम गोटे कम कर डायरेक्टर अच्छा मुली सार मुझे कहली नमस्कार मुझे अशोक हाँ अशोक है कौन है अशोक तुम क्या हुआ ना मुझे अभिनय अभिनय मो कती कौन अस मैं कुछ नहीं कथा आज्ञा मो मुंडे खाली टे हाथ रखी दिंतु ये ओडावास मत जानवे मुझे कलाकार बोली तो कहले गोटा कंडीशन मुमती कह तुम सेमती कर जी कर पार ला दुंगा आया मुझे कहल ओके डन सार मुझे बेसी ना तीन टी सीन एवं खूब सुंदर सीन तीन टी मत भी भल लगी बहुत डरी हरिकी करी कारण जो सार थे मुझे ओवर करदे कमेडियान मान टे ओवर कर दिखती नहीं कहीदेवे टी आउ दु चार नगे करदे मुझे करदेली सी उठिले अवश्य सीन भल होता तुम डायरेक्टर हो मैं डायरेक्टर आप मैं तुमको बोला थे कहने के लिए ना आज कल भल ना करदेली तू सीट में मैं बैठूंगा आई बाप रे बहुत बढ़िया ला मत बहुत अच्छा से सीन फर्स्ट सीन थिला कोन अपन कर तो सीन ता हो जी जे मु ट्रैफिक पुलिस अच्छा आ मिहिर भाई हीरो आछन तो विदाउट हेलमेट रे ओहो मु त अटके छी ए र र र कुवाड मारी जाउ चरण संड बलिया ठिया हो हेलमेट हेलमेट किनिया को जाउ छी अच्छा लाइसेंस आर टी ऑफिस आनबु हेलमेट कि ओ हेलमेट किणव लाइसेंस आनब आउ जानपार नु कौन तू ये धड़ी मिश्र को चिन्ही नौ सलई देवी सलई सलई पिटी फुलईदेवी चल थाना को आउ कमेडी जो कौच कमेडी चरित्र मु नुह कमेडी चरित्र एक्चुअली फिल्म रे मीर भाई दर्शक जो देखिए फिल्म को तो मीर भाई कौ भाई चरित्र करपारती कमेडी जानवे एकदम सुंदर करके कि नुह कमेडी कौन कहूली कि उठा ये कपड़ा देखा तो लफड़ा खोल 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 तर ए सीन ए फिल्म टा एत सुंदर भाव एत सुंदर माने संलाप तेरे गीत तेरे अभिनय जहाँ भी सब सब एकदम बढ़िया है दर्शक या देखिले जाणीजे टक्कर गोटे फिल्म है रवि आपण बहुत इम्पोर्टेंट रोल अच्छे फिल्म रे और ये फिल्म रे जो भाई भाव में चित्रण करछन्ति सरोज सर भारत समस्त रोल गुड़ाक एकदम बिफिटिंग क्यारेक्टर को दिया तो निज रोल विषय आप कहतु मो रोलटा प्रथम मुरलीधरन सांगे तीन चार सिनेमार अभिनय कली ए सिनेमार निरा
ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ ହେଲି, ମୋତେ ରବି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ରବି ଭାଇ ତୋରା କଟକ ଆଏଙ୍ଗେ, ମୁଁ କହିଲି ଗୌରବ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ସେପଟେ ଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଚରିତ୍ର କହିଲେ ତମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ। ଆପଣ ଭବାନୀ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଜାଗା ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସିନେମା ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଯାଏ। ଏ ସିନେମାର ମାନେ ଓପନ୍ କଥା, 4 ମାସରୁ 5 ମାସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଏ କାହାଣୀ ରିମେକ୍ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କାହାଣୀ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ ମିଶିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ଏମିତି ଲାଗିବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ଟକ୍କର ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ରୋଲ୍ କରିଛୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ସତ କହୁଛୁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ ନିଆରା ସେଡ଼୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିର ଭାଇଙ୍କ କମେଡ଼ି ହଉ ବା ମୁନା ଭାଇଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ କଳାକାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରିତେଶଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଶିଶୁ କଳାକାର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରିତେଶ ଆଉ ଆଦ୍ୟାଶା ବୋଲି ଝିଅଟେ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ବୋଲି। ରିତେଶ ହାଇ, ଆଉ ତମର ବହୁତ ଫିଲ୍ମସ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ତମକୁ କରିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମିହିର ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଅପରାଜିତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ କଲି। ଏତେ ପୁରା ପିକ୍ଚର୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ପିକ୍ଚର୍ କରିନି ମୁଁ, ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଯେ ପିକ୍ଚର୍ଟା କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଯିଏ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ, ତମେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭର୍ସନ୍ ଦେଖାହଉଛ, ସିଏ ବି ଗୋଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା, ତମେ ବି ସେମିତି, ତ ତମେ କଜିନ୍ ହେଇଛ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହିଲ ତମ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭର କରୁଛ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଯିଏ ହିରୋ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଆଦ୍ୟାଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଥିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟାଶାକୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଆ, ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଲନି, ସେ କହିଲା ଆଣିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ ଦେଲେ, ପୁରା ଖତରା ପେନ୍। ସେ ପେନ୍ ମୁଁ ଧରିଲେ, ପଚାରିଲେ ଏଇ ପୁରୁଣା ପେନ୍? ସେ କହିଲା ୟା ଦେହରେ ତ ମାମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାସ୍ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ, ତମେ ସେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ନହେଲେ କେବେ ବି ପାସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତମର ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ବି ଅଛି, ପୁରା ସିନ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତମେ କହିପାରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତୁମର। ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା, ମୁଁ ଏ ସିନେମାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିଛି, ପଛରେ ନାଚି, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନାଚୁଥିଲେ, ପଛରେ ନାଚିଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ କଥା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଭିଲିଆନରେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେ କହିଲେ ର ଏକା ପଳେଇଲେ, କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ, ମୁଁ ପାଖ ଲୋକଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କହିଲେ ର ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ଛୋଟିଆ କଥା ମାନେ ଟକ୍କରଟା ହିରୋ ଭିଲିଆନ ଭିତରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଟକ୍କର ମାରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିରୋ ହିରୋ ଭିଲିଆନ ଟକ୍କର ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଧୂଆଁଧାର କମେଡ଼ି ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ବେଶ୍ ପପୁଲାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କେତେ ସତ୍ୟତା? ଟକ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ ଧୂଆଁଧାର। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଥାନା ଭିତରେ, ମୁଁ ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଳା ଆମର ହିରୋ ପ୍ରଦୀପ ଦତ୍ତ ବାବୁ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତୁ ହାତ ମାରିଲୁ ଜାଣିଛୁ ଏଠି କିଏ କିଏ ଆସିବେ, ଏଇଟା କଥା ତ ସିଏ କହିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ ଏକଥା କହୁଛି ଥାନା ଭିତରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ପଶିଗଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମିହିର ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଦେଲେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମଜାଟା ଆଉ ଦର୍ଶକ ପାଇବେନି। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ମାନେ ମନୋ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦର୍ଶକ ଦଳ ତାକୁ ସିନେମାରେ ଦେଖିବେ, ମୋ କଥାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇବେ, ଓକେ ଡନ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ସେ କହିଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ, କିଏ ଆସିବ, କିଏ ଆସିବ, କିଏ ଆସିବ, କିଏ ଆସିବ,
ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ ଆରେ ଶଳାଟା ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ ଆରେ ଶଳାଟା ତତେ ଟଚ୍ କଲେ କିଏ ଆସିବ बाप रे फर्स्ट फिल्म रे एकदम ठीक प्रथम फिल्म के जते दमदार एक्टिंग आपण करी छंदी सिति पई बहुत बहुत धन्यवाद आपण को ऑल द वेरी बेस्ट भारत फाइनली आपण को अनुरोध करबे कि प्रयोजक हिसाब रे एक्टर हिसाब रे आपण ऑडियंस को कोन अपील करबे एई फिल्म विषय रे समस्त को अनुरोध करबे निश्चित हबे फिल्म देखंतु काहे कि ना आमे सेई आमे हेलु ओडिया आमे ओडिया भाषा को भल पाइबा ओडिसा को भल पाइबा आउ आम जो ये ओडिया चलचित्रटा से गोटे आम ओडिशार पार्ट जब आम समस्ते से ओडिया को आम ओडिशावासी पूरा भल पाइबा ओडियाटा को ओडिया फिल्म टाक देखा जाए कि निश्चित भाव आम फिल्म इंडस्ट्रीटा मैं कला क्षेत्र आहरी उपरको जीव थैंक यू ऑल एवं आम तरफ समीर बाबू गोटे सुंदर गीत डेडिकेट करेंगे टाकर टीम को समीर बाबू ख्वाब ज्यादा है लगता खुदा का कोई नेक इरादा है कल तो फकीर आज दिल से ज्यादा है लगता खुदा का कोई नेक इरादा है क्या मुझे प्यार है कैसा कुमार है क्या मुझे प्यार है कैसा कुमार है एंड थैंक यू भारत थैंक यू सरोज सर थैंक यू एवरीबॉडी आज उठो जाग ओडिसा रो ए एपिसोड को स्पेशल करबा पई आउ व्यूअर्स प्लीज 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 मो रिक्वेस्ट करू छी जेमसे आपण माने आज एते हम स्पेशल गेस्ट मन को कथा सुनिले आगु को मध्य ब्रेक पर आउ दुजना स्पेशल गेस्ट आसबे फिल्म बिषय कथा बा पई देखबा को जमा भूलबे अप्रैल 1 तारीख रे रिलीज करू छी फिल्म आमे समस्त मिसि के देखबा फिल्म रो नाम हो छी की दबा टक्कर उठो जागो ओडिसा रे आज हमें कथा होचू फिल्म किए दबो टक्कर रो कास्ट और क्रू सहित आ मते लागू छी बहुत दिन पड़े ओलीवुड रे गोटे टक्कर देला वाला फिल्म आसी ए किए दबो रे टक्कर 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 किए दबो रे बट गोटे फिल्म रो जदि हमें यूएसपीज माने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कथा होबा ताले प्रोड्यूसर होंतु डायरेक्टर होंतु स्टोरी राइटर होंतु स्क्रीन प्ले राइटर होंतु समस्तंकर मेजर कंट्रीब्यूशन थाए किंतु जहां को नेकी फिल्म चाले जहां को देखिया पाए लोक टिकट काटे की फिल्म हॉल को जानती से माने होछंती जोड़ी हीरो हीरोइन को जोड़ी और जदि सेई जोड़ीटा सुपर हिट थाए ताले फिल्म को सुपर डुपर हिट होवारो के हीरो की परिबेनी एत कथ आम जा सारे फिल्म विषय में तेज चलतु हिट जोड़ी सहित भेटा जो मैंने फिल्म को हिट कराइबा बहुत परिश्रम करूँ जड़े होते डेब्यूटेंट आउ जन नुआ नुआ ओलीवुड एंट्री होते एक्साइटेड से फिल्म को लेकिन केश्रम कर फिल्म में लटका झटका एक्शन रोमांस को देखापी लोक कहीं आसवे कौन सब स्पेशल अच्छी जानवाई डाक फिल्म हिरो प्रदीप और हिरोइन पत्राली को ओलीवुड हो कि बॉलीवुड हो बहुत पापड़ बेलवा को पड़े बहुत जिम शिम जीवा को पड़े तमें परिश्रम करो लुज करने वेट लुज
ତମେ ତ ମତେ ବେଶ ପତଳା ଦେଖାଉଛ। ମୁଁ 86 କିଲୋ ଥିଲି। 86 କିଲୋ କଣ କଲ? ଚାଲା ୱାର୍କଆଉଟ ଚାଲା ଡାଇଟ ଚାଲା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରି ହବ କି କେମିତି ଝଡିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଏ ତମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବନି ନା, ତମ ଅଲରେଡି ସ୍ଲିମ ଅଛ। ନା ମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ଅଡିଏନ୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ତମ ଭଳି ଝଡିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଓକେ ପତ୍ରାଲି କଡକୁ ଯିବା। ପତ୍ରାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ହଲିଉଡରେ ବିତ୍ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ୟଙ୍ଗ କ୍ରାଉଡ କର ଫେଭରେଟ ହେଇଯାଇଛ କି ଏ ଖୁବସୁରତ ଲଡ଼କି କଣ ହେ ହଲିଉଡରେ। ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭିରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଦେ ଅଲରେଡି ହାଭ ସିନ ୟୋର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ନୂଆ ଅଛି? ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ଏକ ସିମ୍ପଲ ଗର୍ଲ କି ଷ୍ଟୋରି ହେ ଜିସ୍କା ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହୋତା ହେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ ବଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ। ଅର୍ ୟହାଁ ପେ ଆକ୍ସନ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେ। ଯୋ ହିରୋଇନ୍ ହେ ବହୁତ ବବ୍ଲି ହେ ଆଣ୍ଡ ଶି ବିକମ୍ସ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ ଦ ଭିଲେନ। ତୋ ଇସମେ ଥୋଡ଼ା ଡିଫରେନ୍ସ ହେ। आगे क्या होता है वो तो रिलीज के बाद पता चलेगा। बता देंगे तो फिर लोग जाएंगे ही नहीं देखने के लिए। ये बात सही है। पत्रवाली कहले कि ये फिल्म रे एक्शन बहुत अच्छी। सो बहुत डिशम डिशम तो हमको करे पड़थिबो। फर्स्ट फिल्म बहुत हीरो सेफली रोमांटिक मूवी चूज करंती कि किछ करे पड़िबो नहीं। टिके पार्क रे बुली देबे हीरोइन संगे रे टिके हीरोइन रे बापा को पटे देबे और लड़की तुम्हारी पिक्चर हिट। बट फर्स्ट फिल्म रे यू नो सनी देओल भले एक्टर ही एक्शन करिवार चांस नियंती। ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ନେଇଛ। ସୋ କେତେ ଟଫ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିବା? କ'ଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହବ, ମୁଭି କେମିତି ହବ, ସେଇଟା ତ ଡିରେକ୍ଟର ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଏହା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଡିରେକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ, ମୁରଲୀ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଏକ ଫିଲ୍ମ ଏକ ହିରୋ ନୟା ହିରୋ କା ବିଲ୍ଡ କରନେ କେ ଲିଏ ତାକୁ ସବୁ ଦରକାର କହିଲେ। ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି କି ଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହିରୋ କହିକି। आपको एक्शन भी दिखाना है, आपको रोमांस भी दिखाना है, कॉमेडी भी करना है और इसमें इमोशनल सीन भी है। हाँ। आपको मतलब एक हीरो में जो चाहिए टोटल आपको मसाला मूवी करिवार अच्छी मतलब ठीक करी। से तापर मते बेसी कॉन्फिडेंस लेवल मोर बढ़िला। से कहले आपण करि पारिबे कहले। हां मु किंतु केबे जीवन रे एक्शन माने कोन किछि सिखिनी। डांस करथली, एक्टिंग केबे करिनी, ফাইট কেবে করনথিলি। আচ্ছা মানে আপন বাই চান্স অ্যাক্টর হে গলে না? অ্যাক্টর হবার স্বপ্ন না না অ্যাক্টর হবার স্বপ্ন তো আগ্রু ভাবি নথিলি। কিন্তু মু অ্যাকচুয়ালি অ্যালবাম করথিলি তো সে সেতেবেলু আসলে তারপরে 86 রু ঝড়ি আরম্ভ কল। না সেতেবেলে 86 নথিলি। আচ্ছা এই ফিল্ম যেতেবেলে অফার মিলিলা, মুরলী স্যার ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ডিরেক্টর টু ওয়ার্ক উইথ। কারণ সে কোটি ভি কম্প্রোমাইজ করন্তি, তাঙ্কু শর্ট ভি বেস্ট দরকার, তাঙ্কু এক্সপ্রেশন ভি বেস্ট দরকার। তো ফার্স্ট ফিল্ম ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୁରଲୀ ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କେମିତି କଲା? ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରାଲିଙ୍କର କୋପରେସନ୍ କେତେ ଥିଲା? ସିଏ ଅଲରେଡି ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଲେଭେଲର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଏ କରେ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତାର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ସାର୍ ଯେମିତି କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ ଝିଅ ଯେମିତି କରିବ ତା ମୋତେ ତ ପୁରା ଖାଇଯିବ ଇଏ। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କି ସେଠି ଏସବୁ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ କପରେଟ୍ କଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପତ୍ରାଲିଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରାଲି କୋଉ ଆକ୍ଟର ତାରିଫ କରେ ଇଏ କହେ କି ବନ୍ଦୀ ମୁଝେ ଖା ଯାଏଗି, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ କାଫି ଜେନେରସ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ କରିବାର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି, ବଟ୍ ସୁଟ୍ ଇସ୍କା ପହେଲେ ହୁଆ ଥା। ଆଚ୍ଛା ସୁଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇସ୍କା ପହେଲେ ହୁଆ ଥା ତୋ ହମ ଦୋନୋ ହି ନଏ ଥେ ଅର୍ ମୁରଲୀ ସାର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମୁରଲୀ ସାର୍ କେ ସାଥ ଦୋନୋ ମୁଭି ଅର୍ ଇଏ ମୁଭି ମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ଥା। ମାନେ ସୁନା ଥା କି ମୁରଲୀ ସାର୍ କେସେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିମ୍, ପର ଜ୍ୟାଦା ଡାଟ ଉନସେ ନେଇ ଖାନା ପରା। ଅର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମେରା ସୁଟ୍ ଥା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍, ବୋ ଭି ପ୍ରଦୀପ ଜୀ କେ ସାଥ ମେରା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନେଇ ହୁଆ ଥା। ଇତନା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରି ଥି ମେ, ପର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ସର୍ଟ ଉସନେ ମୁଝେ ଇତନା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୱାୟା। ଅର୍ ଆପକୋ ତ ପତା ହେ କି ସର୍ଟ ଏକ ବାର ଦେନେ ସେ ନେଇ ହୋତା ହେ। ଏକ ସିନ୍ ହମେ ଲଗତା ହେ ୟେ ଜଲ୍ଦି ସେ ହୋ ଜାଏ, ୟେ ଜଲ୍ଦି ସେ ହୋ ଜାଏ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍, ପର ଏସେ ନେଇ ହୋତା ହେ। ଅର୍ ମୁରଲୀ ସର୍ କୋ ତ ପରଫେକ୍ସନ ଚାହିଏ। ଓ ସିନ୍ ଏକ ଦୋ ବାର ରିଟେକ୍ ହୁଆ, ଫିର ଭି ମୁଝେ ଜରା ସା ଭି ନେଇ ଲଗା କି ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୈସେ ପହେଲେ ଲଗା। ତୋ ଉସନେ ମୁଝେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରାୟା ଅର୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ମୁଭି ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ବହୁତ ମସ୍ତି କିଏ ହମନେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ଗୟା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ୟେସ୍ ତମେ ଡରି ଯାଉନି, ଆଉ ଥରେ ଧକ୍କା ମାରିବିନି। ଏଠି କାଇଁ କେସଛ? ତମର କିଛି ଅମାନତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଚାଲିଥାଏ 12-13 ମହଲା ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଠି ସେ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ତ ସାର୍ କହିଲେ, ପତ୍ରାଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ
आप जब करेंगे नेचुरल लगना चाहिए गिरने का, मतलब आप इतना दिन से वहाँ पर बांधे हुए हैं तो से बांधे मैंने तीन मैंने फिल्म में जमी देखा से गोड़ाए दिन से रखाई है बांधिक तो मुझे जो खोलुची सी एत नेचुराल कला सतरे पड़ जाऊला ମୋତେ ଏତେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ସେ କେଜୁଆଲି ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ନା ରିଏଲି ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କେଜୁଆଲି ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ଅନବାଲାନ୍ସ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଏପଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସିଡ଼ି ସେପଟେ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପକୁ ନେଚୁରାଲ ବୋଲି ଇତନା ନେଚୁରାଲ ମୁଁ ପତା ନହିଁ और भी एक सीन हुआ यहाँ पे एक एक्सीडेंट का सीन था स्कूटी जैसे लेके जा रही हूँ हीरो इज चेजिंग में और एक्सीडेंट हो जाता है सीरियसली एक्सीडेंट हो गया ओरिजिनल एक्सीडेंट क्या बात है यार मुरली सर को देखा थोड़ा नरम से मुझसे बात है अरे ठीक है तुम्हें लगा तो नहीं हाँ क्योंकि मुरली सर की डायरेक्शन की मतलब उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि ऐसे ऐसे करो तो मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था तो मैंने स्कूटी चलाना नहीं आता तो यहाँ पे सभी स्कूटी चला लेते हैं आफ्टर कमिंग ईयर मैंने देखा भुवनेश्वर कटक जहाँ पे भी जाती हूँ सभी स्कूटी चलाते हैं पर कोलकाता में इतना स्कूटी कोई नहीं चलाता ऑटो होते सब होते ट्रांसपोर्ट बहुत होते हैं तो दो दिन के अंदर मुझे स्कूटी सीखना पड़ा और मुरली सर ने बोला कि एक्सीडेंट का पूरा शेकिंग जो सीन है वैसे करना पड़ेगा ये वो और मुरली सर को शायद गिल्ट हुआ कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला शेकिंग कर गया मेरी वजह से अब बहुत जोर से लगी थी लाई इतने बड़े से पूरा पूरा एक्सीडेंट हो गया था सीरियसली एक्सीडेंट हो गया ओके पत्रानी कहले कि କେଉଁଠି ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ବା ପୁରା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସୋ ପ୍ରଦୀପ କହିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମସ୍ତି ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଖୁରାପାତ ଦିଜନ ଯାକ କରିଛ ୱାଇଲ୍ଡ ସୁଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ମ ଖୁରାପାତ ତ ଏମିତି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତାର ମୋର ସଟ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ମୁଁ ବସିଥିଲି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଥିଲି ସେ ତା କାମରେ ଥିଲା ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଭିଜନ ସେ ବି ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଆପ୍ ତ ପହିଲେ ବାଦ ବି ନେଇ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାଦ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ମୁଁ ସାରିବି ମୋ ରୋଲ୍ ସେ ଟେନସନ୍ ସଟ୍ ଉପରେ तो ये बढ़िया चल थिला परे बहुत मिसी गेलु से भी मते बहुत आमे बहुत माने मजा हम दोनों जब अकेले होते थे रिहर्सल करते रहते थे कि ये सीन को कैसे हम दोनों नए थे हम समझ नहीं पाते थे कैसे बोले और मुरली सर को हमेशा इम्प्रेस करना था एक शॉट में ओके हो जाए तो हम दोनों जब एकदम फाइनल रिहर्सल करते थे पूछते थे हम दोनों ये ठीक रहेगा ना हाँ ये तो हमें तो ठीक लग रहा है पर मुरली सर ओके बोल दे बॉस को ठीक लगना जरूरी है अच्छा पत्राली गोटे फिल्म तुम कर सारी बंगाल रे एंड मु सुनी छी कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेसी प्रोफेशनल ओडिसा कंपैरिजन रे बहुत अधिक डेवलप्ड तो ओडिसा रे आसी कि जे तुम कहले कि एटा तो फर्स्ट शूटिंग एक्सपीरियंस थिला जदी ओ रिलीज प्रथम हे गेला नुवा प्रेम रे केमती कंफर्ट जोन थिला केमती तब अनुभूति कोन थिला एटी शूट करी वाला यहाँ एक्चुअली मेरा पहला मूवी था रवि गिनागी के साथ रवि जी ने मुझे रेफर किया उड़ीसा में कि ओडिशा ही वॉज फ्रॉम ओडिशा ओनली सो ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर तो उसके बाद सुनकर मैं आई तो आने के बाद जैसे आपने बोला वहाँ पे इंडस्ट्री सीरियसली बहुत प्रोफेशनल है काम के बाद होते हैं सिर्फ प्रोफेशनली होते हैं तो यहाँ आने के बाद थोड़ा टेंशन था क्योंकि लैंग्वेज के साथ भी मेरा कंफर्टेबल आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑल्सो तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जैसे दिस इज माई सेकेंड होम घर में जैसे मैं एकदम मतलब कंफर्टेबली बात करती हूँ यहाँ पे मैं कर सकती हूँ बिकॉज पीपल आर सो स्वीट एंड सो सिंपल यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं पर मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे सिंपल लोग इतने सारे हैं कि सीरियसली आई वॉज सीरियसली टच्ड मुझे पता नहीं था कि ऐसे होमली ऐसे कुछ सेट मिलेगा मुझे तो यह आने के बाद मुझे सब ने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और जो वो चाय देता था पानी देता था वो भी मुझे बोलता था दीदी आप मेरे साथ बात करो मैं आपको सिखाती हूँ ओरिसा तो ऐसे तो कभी मैंने सोचा नहीं था होगा और जो क्रू मेंबर था उसने मुझे स्कूटी सिखाया ऐसे मतलब हमारे पास जो भी आता है वो खुशी होकर जाता है और पत्राली को तो हम छोड़ेंगे अपने वो यही रह जाएगी
पत्रानी को किछि लोक माने रचना बनर्जी नेक्स्ट रचना बनर्जी को यू हैव रिजेम्ब्लेंस विद रचना बनर्जी से दिबे समस्त कोछथि कि बहुत वर्ष परे रचना बनर्जी कर यंगर वर्जन ओडिसा को फेरी छथि सो हाउ डज इट फील व्हेन यू आर पहली बार एक्चुअली पहली बार ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया था रवि किनागी ने रवि किनागी सच अ ग्रेट डायरेक्टर उसके सामने वो कॉम्प्लीमेंट और कंपेयर किससे कर रहा रचना बैनर्जी से आई वाज लाइक ओ माय गॉड सर सीरियसली यू थिंक ऑन क्लाउड 9 ना सीरियसली और तभी बोला कि रचना को मैं फोन लगाती हूँ एक बार बोलती हूँ तेरे एक सिमिलर लुकिंग का मुझे मिल गया है तो तभी रचना जी को फोन लगाया बात किया उनसे सो दैट सिचुएशन इट वाज लाइक आई वाज स्टक वेल फिल्म विषय इतने चर्चा है मु सुनी कि फिल्म रो म्यूजिक भी बहुत हिट है सो गोटे गीत आम पाखे अच्छी आम देखा आपण मानक भी देखा गीत सुनला कौन रिएक्शन होम हिरो हिरोइन कर म्यूजिक प्लीज पूरा फिल्म देखो आओ मजा आ छी एकदम देखले मजा आ छी वेल गुडे छोटो गीतर मुखड़ा रे एते केमिस्ट्री देखाउ छी आई एम जस्ट वंडरिंग पूरा फिल्म रे केते देखा जाउ थबो थम्स अप एंड प्रदीप सीरियसली लागो नेटा तोर फर्स्ट फिल्म बोली एते कॉन्फिडेंटली स्माइल करू छ हीरोइन पखरे पूरा उसका हाथ मांगले के लिए तैयार फिल्म देखन दो एंती फिल्म करली ता सहित एंती प्लेटफार्म मिलला उठो जागो ओडिसा माने किए दबो टक्कर देखिबा पई उठो जागो ओडिसा ता संगे इत्ते सुंदर होस्ट मिलला हमको थैंक यू वेरी मच सी हीरोइन संगे परफॉर्म करबा इत्ते सुंदर होस्ट संगे भी परफॉर्म करबा मौका मिलला ता तो कोनो दरकार कहि कहते ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है तो जोड़े दीदीटा इत्ते ब्रिलियंट एक्टर अछंती पूरा पैकेज से इत्ते दमदार आई एम श्योर फिल्म सुपर हिट हबो नुआ रिकॉर्ड्स तैयारी करबो बट फिल्म रे म्यूजिक मते बहुत भल लागला सो टेल मी मोर अबाउट केमती म्यूजिक सेटिंग्स थिला कोन सब परिश्रम कराई छि फॉर द सॉन्ग्स एंड ऑल म्यूजिक सिटिंग गोटे दुटा जगह मुझे बस थी अभिजीत मजुमदार म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा बहुत भल भारत जो प्रोड्यूसर अच्छा आगु बहुत भल परिचय
सी जिते बसला मत भी कहला मुझे गली एम ट्राक सब चलला तो ये ट्राक जिते फास्ट टाइम मत कहले मुझुअली कहली अभिजित दा ये मुझे कहली मो आड़ा स्लो लगुनि कहला तुम गीत हो सारु तुम देख के लगे मुझे चाहूली जमी हाई ट्यून रे मैंने जमी रामा रामाटा गोटे जगह खाली अच्छे मुझे गोटे गीत स्टार्ट है से हाई ट्यून रे सेमती चलो जमी लव मास्टर गोटे गीत तो चेहरा नहीं कि गोटे कौन गीतटे थी सुपर हिट गीत तो कहले गीत शुण ये नुआ टाइप रुआ ट्राक मत हाँ कि हाई लेवल हाई लेवल हाँ मत एते भल लगला परे मु कहली वाह एक्चुअली आमर जेउथिर आमर ज्ञान नै सेथिर मुंडो पुरैबा कथा न अन अभिजीत दा को त एमती भी मेलोडी किंग कह होछि जोंथि से हाथ मारछन्थि सेठी गीत सुपर हिट होछि आ पथराली बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशंस तमे दउथिला मु जेति के देखली बट ओवरऑल ए फिल्म देखबा को जतो लोक माने जिबे तमो हिसाब रे कोन स्पेशल अछि फिल्म रे कोन एंटरटेनमेंट पैकेज वेट कर लोक बिकज हीरोइन अपील कले लोक जब ही जब जानते हैं अगर खास कर हीरोइन इतनी खूबसूरत हो तो ये मूवी में एक्चुअली सब है अगर देखा जाए तो दिस इज एज आई से दिस इज अ पैकेज मूवी एक्शन भी है रोमांस भी है जैसे कि बोलते हैं कि एक्शन मूवी है एक्शन ज्यादा है रोमांस ज्यादा नहीं है सब कुछ है इसमें एक्शन है रोमांस है इमोशंस है ड्रामा है और कॉमेडी भी है अच्छा तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज मूवी तो इसीलिए सबको अगर कोई जाएगा तो आई एम श्योर सबको मजा आएगा तो ओडिसा में 12 मजा बहुत फेमस है मिक्सचर भी पड़ती है बादाम भी पड़ती है सो दिस इज लाइक दैट 12 मजा जो एक्चुअली पार्क में भी खा सकते हैं तो व्यूअर्स एटा थिला अपील आम हीरो हीरोइन कर माने प्रदीप और पथराली पथराली को जादू तो ऑलरेडी आपण देखि सालेनी आ प्रदीप को ट्रेलर देखि के लागु छि फिल्म ता दमदार हेथिबो सो आपण माने भी निश्चय मो सहित जिबा कथा ए फिल्म को देखिबो पय एंड आई विश जदि एमती नुवा एक्टर्स मानन को फिल्म यू नो रिकॉर्ड बिजनेस करिवो ताहाले प्रोड्यूसर मन माने मध्य एक्साइटेड हे कि अधिक फिल्म्स करिवे एंड आमो एक्टर्स मानन को भी बड़ो बड़ो प्लेटफार्म मिलिबो तांको एक्टिंग स्किल्स देखेबा और ऑडियंस को भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलिबो बिल्कुल हम तो ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए पूरा एंटरटेनमेंट अछि जेंति कोन दिन एंटरटेनमेंट 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 एक्चुअली रे पूरा फिल्म आपण स्टार्ट टू एंड जाय देखिबे कट टू कट लिंक सबुडा लिंक अछि कट टू कट हे कि अछि आदबे प्रदीप पथराली जो भी हमारे घर पे आता ना स्पेशली मेरा घर है उठो जागो ओडिशा का हम किसी को भी एमए नहीं जाने देते हम एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट जरूर देते हैं अच्छा और वो रिटर्न गिफ्ट काफी म्यूजिकल होता है समीर बाबू को बहुत ही स्पेशल गीत सिलेक्ट करी छंती एंड ही सेज कि तमो मानन को जोड़ी शाहरुख एंड काजोल भलिया सो सेथि पाई से गोटे बढ़िया शाहरुख काजोल रो हिट गीत डेडिकेट करियो को चाहन छंती तमो दिजन को सेई वाला फिल्म भी हिट सुपर सेई वाला एकदम एकदम सो समीर बाबू ऑल योर्स रुक जाओ दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा रुक जाओ दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा लड़की जादू खुशबू है या नशा पास वो आए तो झुके में देखूं जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा दिल हम खड़े हैं गुमसुम सी नजर उसकी है मगर
होंठ पे शिकवे बड़े हैं, बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। समीर बाबू को ही आइडिया थिला, तुम दु जन को देखिकी तांको ए गीत ही मने पड़ा। थैंक यू समीर बाबू, थैंक यू सो मच। वेल चलो तारे व्यूअर्स को टिके अपील कर दबा कि सेमाने तमो फिल्म को देखिबे आ सुपर हिट करिबे। व्यूअर्स उठो जागो, ओडिसा स्पेशल एपिसोड रे मो सहित अछंती प्रदीप और पत्राली, जहां को फिल्म रिलीज होची अप्रैल 1 तारीख रे। पत्राली क्या बोलोगे ऑडियंस को? प्लीज सब लोग देखने आइए, सब लोगों को ये पैकेज मूवी, सब लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट लगेगा ये मूवी, और ये टक्कर देने वाला मूवी है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। एंड प्लीज गो एंड वॉच द मूवी, एंड द मूवी इज किए दबो टक्कर। भवानी माने भय भय भय, दोस्ती कले जिए जीवन दिए, दुश्मनी कले जिए जीवन दिए, देख मु से शिवा।